वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सेबी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब काफी अच्छी हेल्थ में हो गए। तो आज हम कवर करने आए हैं बहुत ही स्पेशल डे, टुडे इज माय बर्थडे। तो आज हम आए हैं अनारदाना रेस्टोरेंट, जो कि काफी फेमस है फूड के लिए, और यहाँ पे एक्जॉटिक फूड के साथ साथ एक्जॉटिक ड्रिंक्स भी अवेलेबल है। तो हम वो रेस्टोरेंट कवर करेंगे, साथ ही साथ जो है हम यहाँ पे जो एम्बियंस है, बॉलीवुड स्टाइल एम्बियंस है अनारदाना रेस्टोरेंट का, वो बॉलीवुड स्टाइल एम्बियंस है वो हम कवर करेंगे, खाना कवर करेंगे। और ये जो रेस्टोरेंट है वो लोकेटेड है साकेत दिल्ली में, और डीएनएफ एवेन्यू करके मॉल है यहाँ पर, वहां पर लोकेटेड है। तो आप जब भी दिल्ली आते हैं डू विजिट दिस प्लेस। सो अनारदाना जाने से पहले आपको छोटा सा टूर देते हैं डीएलएफ एवेन्यू मॉल का। सो ये मॉल सीरियसली गाइस बहुत बड़ा है, प्लस यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग है, और ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। प्लस यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट एक से एक मिल जाएंगे, सोशल है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंजॉय करने के लिए और क्लबिंग करने के लिए। और ये ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल मेरे सामने बनाया हुआ है जो बहुत ही बढ़िया है। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है आउटसाइड। इसी के साथ साथ, इसी मॉल के साथ साथ सिटी वॉक करके एक और मॉल है जो यहाँ पे अवेलेबल है। सो गाइस वी आर फाइनली इनसाइड अनारदाना रेस्टोरेंट। तो इसकी जो टेबल सिटिंग है वो आप देख सकते हो एकदम यूनिक है। प्लेट्स को बहुत ही यूनिक तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से रखा गया है। और जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पे बड़ा सा अ लिखा हुआ है, अनारदाना का अ। सो ऑल टुगेदर जो एम्बियंस है वो बहुत क्लासी और बहुत ही यूनिक है। साथ ही ये रेस्टोरेंट जो है वो फूड कोर्ट एरिया में लोकेटेड है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे। सोशल भी यहाँ पर है, बहुत सारे यहाँ पे आपको फूड जॉइंट्स दिख जाएंगे। सो आप जैसे ही मॉल के अंदर एंटर होते हो बहुत सारे और भी रेस्टोरेंट्स आपको अनारदाना के साथ देखने मिलेंगे। सो फर्स्ट एंट्री पे ही ये ब्यूटिफुल मास्टरपीस लगा हुआ है, और रियली बहुत अमेजिंग फीलिंग देता है ये। और जो एंटायर इंटीरियर आप देखोगे वो बॉलीवुड थीम पे बेस्ड है। सो जो सोफे के कलर है वो आपको रेड थीम के दिखेंगे, उसी हिसाब से ही जो लैंप्स यहाँ पे उन्होंने लगाए हैं वो रेड थीम के हैं। पूरा बार जो है फुल फ्लेज बार यहाँ पे अवेलेबल है रेड की थीम में। साथ ही साथ यहाँ पे बॉलीवुड के डिफरेंट डिफरेंट जो है फोटोज यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप देख सकते हो किशोर कुमार एंड मधुबाला का फोटो लगाया हुआ है, साथ ही साथ ये फेमस फिल्म थी ऋषि कपूर की उसमें का यहाँ पे एक पोस्टर जो है वो लगाया हुआ है। ऐसे काफी सारे बॉलीवुड के पोस्टर्स आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मूवीज में से देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है और आपको लगता है कि आप बहुत ही बढ़िया जगह खाना खा रहे हो। ये पोस्टर जो है ये मेरा फेवरेट है माधुरी दीक्षित का, जो कि मेरे फेवरेट गाने में से उठाया हुआ है। सो ये जो रेस्टोरेंट है ओवरऑल जो एम्बियंस है रेस्टोरेंट का वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आप यहाँ पे बैठ सकते हो, बहुत ही यूनिक है। इंस्टाग्राम की फोटोज के लिए भी ये अमेजिंग है। यहाँ का खाना कैसा है, यहाँ की सर्विस कैसी है, यहाँ की कॉस्टिंग कैसी है, इसके बारे में हम सब बात करने वाले हैं इस व्लॉग में। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे इसे डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग मेन्यू देखने मिलेगा। यहाँ पे विंटर था और बहुत ठंड थी गाइस। सो यहाँ पे विंटर फेस्ट के लिए यहाँ पे स्टार्टर्स, मेन कोर्स और सूप के ऑप्शंस रखे हुए थे। प्लस हम आए हैं दिल्ली वाले ब्रांच में, बिकॉज इसकी दो ब्रांचेस है, एक ब्रांच है इसकी गुड़गांव में, एक है दिल्ली में। पर गुड़गांव में बहुत सारी डिशेस ऐसी अवेलेबल नहीं है जो मुझे यहाँ पे ट्राई करनी थी।
जो कि स्मोकी ड्रिंक्स है, स्मोकी पालक पत्ता चाट है, ऐसे बहुत सारी डिशेस है जो मुझे यहाँ पे ट्राई करनी थी, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हम बहुत ही अमेजिंग डिशेस ट्राई करने वाले हैं गाइस। और इसका आप देख सकते हो कितना बढ़िया एम्बियंस लग रहा है, मुझे सीरियसली बहुत पसंद आया। ये सिस्टम थोड़ा अच्छा लगा, ये डिफरेंट लाइट चेंज कर रहा है, अमेजिंग है ये। और ये यहाँ का एम्बियंस भी काफी अच्छा है, हम जहाँ बैठे हैं हमने यहाँ पे बहुत ऊपर बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ का एम्बियंस है, और पीछे भी मेरे आप देख रहे हो बहुत क्यूट एम्बियंस है। तो ट्राई करते हैं खाना, इन्होंने अभी स्टार्टर्स में ये दिया है मुझे, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट्स लाइक अ बीटरूट चिप्स, बीटरूट चिप्स है, और फिर बहुत सारा जो है वो थोड़ा सा सॉल्टी सा फ्लेवर कुछ डाला हुआ है, बट बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लुक्स वेरी टेम्पटिंग, ऊपर से ये नींबू के छिलके के अंदर इन्होंने अनार का दाना यहाँ पे रखा हुआ है, और ड्रिंक अनार देने जैसे ही है, कुछ टेस्ट करके डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ कैसा है, एंड लुकिंग वेरी प्रिटी। लेट मी ट्राई देयर अनार दाना स्पेशल ड्रिंक्स, और कैसी है मैं आपको बताती हूँ, लेट मी टेस्ट इट। Guys, this drink is amazing. बहुत ही ज्यादा आपको है ना थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा, चाट मसाला डाला हुआ ऐसा लग रहा है, उस तरह का कुछ फ्लेवर है। और लिटरली गाइज ड्रिंक काफी अच्छी है, तो अगर आप अनारदाना आ रहे हो ट्राई दिस स्मोकी ड्रिंक। इट कॉस्ट मी अराउंड 366 रुपीज फॉर दिस ड्रिंक, एंड इट्स वर्थ इट बिकॉज एक तो इसके प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था और प्लस इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है, सो आई रियली लाइक इट वेरी मच। सो गाइस जो नेक्स्ट डिश मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ, इट इज कॉल्ड पालक पत्ते चाट, और ये बहुत ही यूनिक तरीके से बनने वाला है, सो बताते हैं आपको कैसे बनता है। और ये भी मैंने फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह से खाया है, एंड रियली इट इज अमेजिंग। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
दिस इज सो अमेजिंग. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. Guys, this is so amazing. So, so good. The presentation of the food was definitely worth visiting. It's amazing. अगर आपको कुछ fancy सा चाहिए और special occasion है, आपका birthday है, anniversary है, कुछ भी है, कुछ fancy सा चाहिए आपको restaurant, then this is really good place. और ये जो चार्ट थी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ऐसे तो लोकेशन इसकी जो कॉस्ट थी वो अराउंड समवेयर अराउंड 600 रुपीज के आसपास की है. और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है नाइट्रोजन गैस के साथ, स्मोकी फ्लेवर के साथ में. खाकर मैं बताती हूँ आपको कैसी है. द चाट इज रियली गुड. जो पालक पत्ती है वो काफी क्रंची है. ऊपर जो फ्लेवर आ रहे हैं वो सारे आपको दही के चटनी के फ्लेवर आएंगे. जैसे हम एक चाट खाते हैं ना प्रॉपर, वैसा ही फ्लेवर आपको आएगा. लेकिन जो ये पालक पत्ती है वो बहुत क्रिस्पी है. सो यू शुड ट्राई दिस पर्टिकुलर डिश एंड आई रियली लाइक इट. थैंक यू सो मच. इसका नाम क्या सर? दिस इज असॉर्टेड कुल्फी, दिस इज मलाई कुल्फी, दिस इज रोज कुल्फी, मैंगो कुल्फी और दिस इज पान. दिस इज पान कुल्फी. दिस इज पान फ्लेवर. पान फ्लेवर. यू विल गेट थ्री फ्लेवर्स इन दिस. One of Malai Kulfi, one of Pan flavor. Pan flavor and this is Rose Kulfi. Aur iska price kya hota hai generally? Ma'am, iska price hota hai 600 something. 600. So guys, this is really unique. Maine na ye Mumbai ke kisi restaurant mein nahi khaya and we travel so internationally. तो मैंने इतना कुछ देखा नहीं है, बट दिस आई रियली लाइक दिस. ये एक आपको है ना थोड़ा पेड़ की शेप में दिखेगा और यू नो इसमें आपको है ना ये कुल्फी लटकी हुई दिखेगी. तो इसमें से हम ट्राई करने वाले हैं ये पान कुल्फी, क्योंकि मुझे ये पान कुल्फी कुछ ज्यादा ही पसंद है. तो आई एम गोना ट्राई दिस. और ये जो प्रेजेंटेशन है ओवरऑल ये बहुत बढ़िया है. अब इस डिश की कॉस्ट की बात करूँ तो 600 रुपीज के आसपास की ये कॉस्ट है. लेकिन ओकेजनली आप किसी मतलब ओकेजन पे ये अच्छी है. बस एक चीज है कि ये कुल्फी नीचे से पिघल जाएगी जल्दी जल्दी, जो ये पिघल रही है. तो मेक श्योर कि जब आप उसे मंगवा रहे हो तो जल्दी जल्दी खा भी लो. कुल्फी फ्लेवर इज रियली गुड गाइस. अच्छे फ्लेवर है, बहुत बढ़िया है और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा. जिन्होंने मुझे अटेंड किया है उनका नाम है मिस्टर मुकेश. ओवरऑल अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो बहुत बढ़िया सर्विस है. बहुत सारे डिशेस के बारे में मुझे पता नहीं था, जो इन्होंने मुझे गाइड किया कि यू नो बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे, इस तरह की डिशेज आप ऑर्डर करो, ये अच्छा है, ये अच्छा है. तो ओवरऑल द सर्विस वॉज रियली ग्रेट. एंड अगर आप आते हो तो गुड़गांव से ज्यादा प्रिफर कीजिए कि दिल्ली में आओ, क्योंकि आपको दिल्ली में ही ये सारी जो है स्मोकी डिश मिलेगी. अगर आपको स्मोकी डिश चाहिए है ये गुड़गांव के आउटलेट में अभी अवेलेबल नहीं है, ये आपको दिल्ली के आउटलेट में अवेलेबल है. अनारदाना साकेत में अवेलेबल है. और अगर मैं आपको लिंक जो है लोकेशन की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और स्टाफ बढ़िया है. लेट मी एंजॉय माय कुल्फी नाउ. Thank you. This is for you guys. Thank you very much. Wish me a happy birthday in the comments and subscribe my channel for more videos. So happy birthday to me. And after food, इन्होंने मुझे दिया अनारदाने की गोली. और अनारदाने की गोली काफी टेस्टी थी. ये बहुत ऐसे शॉर्ट्स थे अनारदाने के जो बहुत क्यूट लग रहे थे. और जो डब्बा था वो भी काफी कलरफुल और वाइब्रेंट था.
सो मुझे तो यहाँ पे खाना खा के बहुत मजा आ गया। और ये है रात का नजारा। सो ये रात का नजारा भी TLF एवेन्यू का काफी वाइब्रेंट था गाइस, बहुत मजा आ रहा था और बहुत ज्यादा ठंड भी थी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और मेरे ऐसे ही काफी सारे यूनिक रेस्टोरेंट्स के वीडियोस जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे यूनिक रेस्टोरेंट्स मैंने कवर किए हैं गुड़गांव एंड ऑल ओवर इंडिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।